ये इसका एक बड़ा सबूत है। दूसरा सर, जो पिछले दो दिन मैसूरी प्रकरण से लेकर दानिश अली का बयान और अब असदुद्दीन ओवैसी का एक तरीके से ललकार राहुल गांधी को कि दम है तो आप हैदराबाद आके लड़के दिखाओ, और ये तोहमत भी कि कांग्रेस और आरजेडी ये मुसलमानों के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं। देखिए, ओवैसी साहब को अपने बारे में बड़ी गलत फहमी है। अगर राहुल गांधी हैदराबाद से पार्लियामेंट लड़ेंगे तो ओवैसी साहब को जमानत बचानी मुश्किल हो जाएगी। मैं हैदराबाद से दो बार राज्यसभा का मेंबर रहा हूं, वहां की राजनीति, वहां के हालात, वहां के लोगों की विचारधारा अच्छी तरह समझता हूं। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाली है और हैदराबाद तेलंगाना का हिस्सा है। अभी राहुल गांधी गए थे वहां, वहां पे उनकी रैली हुई थी, लाखों की तादाद में वहां लोग आए थे। तो ओवैसी साहब इस तरीके का गरूर ना करें। मुझे ताज्जुब है कि वो अपने आप को मजहबी आदमी भी बताते हैं और इस तरीके का गरूर से भरा हुआ बयान देते हैं। खुदा को इस तरीके के बयानात अच्छे नहीं लगते, जनता को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो ऐसे बयानात को नापसंद करती ही है।